एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। स्वागत तो करो हमारा। अरे तेरे को दिखता नहीं वैसा कितने आदमी है। सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार है। कौन है भैया? ये एरिया का नया सब इंस्पेक्टर है। क्या सलमान लॉन्च करेंगे किसी नई एक्ट्रेस को फिल्म वांटेड 2 से? सलमान के किस फिल्म में उनके भतीजे ने किया असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम? किस बात से है परेशान सलमान और उनका परिवार? दोस्तों आप सभी का स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में फिर एक बार। मैं हूँ आपकी होस्ट प्रतीक्षा। यहाँ हम बात करते हैं आ चुकी फिल्मों की और आने वाली फिल्मों की। भाई जान, नबा खान और बॉलीवुड में कई नामों से जाने जाते हैं सलमान खान और इस समय है थोड़े से परेशान। सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि उनका पूरा परिवार इस समय है बेहद ही परेशान और उनकी इस परेशान की वजह कोई और नहीं बल्कि किंग खान यानी शाहरुख खान है। जी हाँ, सलमान और शाहरुख के बीच दोस्ती और लड़ाई झगड़े की खबरें आना पहले भी बहुत ही आम बात थी और कई बार तो ये स्टार्स वास्तव में आपस में झगड़ गए थे और कई दिनों तक एक दूसरे से बातचीत भी नहीं की थी। लेकिन कहते हैं ना कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है और वैसा ही हुआ इन दोनों खान्स के साथ। एक शो के दौरान शाहरुख ने कहा था कि अगर मुझ पर या मेरे बच्चों पर कोई भी मुसीबत आएगी तो सलमान ही सबसे पहले आएंगे। आपका है कोई थिक एंड थिन में? सलमान यार, मैं अगर कभी ट्रबल में हूँ, एक्चुअली मुझसे ज्यादा अगर मेरी फैमिली ट्रबल में हो तो तुम हो। करेक्ट, वो तो है। इस बात को सलमान खान ने सही साबित कर दिया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जब क्रूज ड्रग केस में एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए तो सलमान तुरंत शाहरुख से मिलने उनके घर पहुंचे। सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि सलमान खान की बहन अलवीरा खान अग्निहोत्री और उनके पिता सलीम खान भी सलमान के साथ शाहरुख खान से मिलने उनके घर गए थे। खबर है कि सलमान खान ने ही शाहरुख खान को अपने वकील अमित देसाई से आर्यन के इस केस को लीड करने की बात कही थी। हालांकि तमाम कोशिशों के बावजूद भी आर्यन खान को बेल नहीं मिल पाई है और वो अभी भी जेल में है। आर्यन खान को बेल दिलाने के लिए सिर्फ शाहरुख ही नहीं बल्कि सलमान खान भी कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि आर्यन खान की उम्र भी सलमान खान के भतीजे निर्वाण जितनी ही होगी। सलमान अपने भतीजे निर्वाण से बेहद प्यार करते हैं और सपोर्ट भी करते हैं, आखिर भतीजा है क्यों नहीं करेंगे। सलमान खान के छोटे भाई सोहेल खान के बेटे निर्वाण खान भी अब बॉलीवुड का हिस्सा बन चुके हैं। निर्वाण सलमान खान की अपकमिंग फिल्म टाइगर ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। जब टाइगर ट्री की टीम इस फिल्म की शूटिंग के लिए तुर्की, रशिया और ऑस्ट्रिया गई थी तब सलमान के भतीजे निर्वाण भी सलमान खान के साथ गए थे। सलमान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया और लिखा चाचा भतीजा और इस तस्वीर में सलमान ने निर्वाण को भी टैग किया था। अनुमान तो ये भी लगाया जा रहा है कि सलमान खान की अपकमिंग फिल्म वांटेड 2 में निर्वाण खान असिस्टेंट डायरेक्टर के काम के अलावा एक्टिंग करते हुए भी नजर आएंगे। वही ऐसी खबरें भी आ रही है कि सलमान खान अपनी अपकमिंग फिल्म वांटेड 2 से किसी नए अदाकारा को भी लॉन्च कर सकते हैं। इससे पहले भी सलमान खान एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई अभिनेत्रियों को लॉन्च कर चुके हैं जिनमें सोनाक्षी सिन्हा, कैटरीना कैफ, जैकलिन फर्नांडिस, डेजी शाह, जरीन खान और भी कई सारे नाम शामिल है। हालांकि अपनी इस फिल्म वांटेड 2 से सलमान किस अदाकारा को लॉन्च करेंगे इस बात से तो खुद सलमान खान ही पर्दा उठा सकते हैं। अब वांटेड 2 में लीड एक्ट्रेस होंगी कौन, ये तो अभी भी एक सवाल है। इसका जवाब हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हम तो बस आशा कर सकते हैं कि इससे सलमान खान जल्दी ही पर्दा उठा दे। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। आप लोग अपना ख्याल रखें और खुश रहिए। बाय बाय एंड सी यू वेरी सून ओनली ऑन बॉलीग्रैड स्टूडियोज़।